हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 10 अगस्त के बीच जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके हैं उनके बारे में, साथ में जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन लिए गए हैं जो इस वीक के मोस्ट IMP क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित फेरी का नाम क्या है? जिसका सही ऑप्शन है आदित्य। आदित्य देश की पहली सौर ऊर्जा चलित फेरी का नाम है। दोस्तों, ये फेरी यानी एक प्रकार का जहाज है। आपको इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, हाल ही में गुस्ताफ ट्रूप अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है इसे, और यह बोट केरल में 2017 में शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना है, देश की पहली सौर ऊर्जा से चलित फेरी का नाम आदित्य है और ये केरल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के पांचवें चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुमकुम जी का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये एक एक्ट्रेस थी, यहाँ पर दोस्तों अभिनेत्री थी कुमकुम जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये 86 वर्ष की थी और इन्होंने मदर इंडिया में अभिनेत्री का किरदार निभाया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है कुमकुम, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये है एप्पल। एप्पल को दुनिया की 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इसकी ब्रांड वैल्यू 18 लाख करोड़ रुपए है, यानी एप्पल की ब्रांड वैल्यू 18 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे स्थान पर गूगल रहा है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी की गई है वह नेटफ्लिक्स में की गई है। और दोस्तों, भारत की टॉप 100 में एक भी कंपनी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, फोर्ब्स की टॉप 100 में भारत की एक भी कंपनी नहीं है और पहले स्थान पर है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडाई ऐप हाल ही में केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किस काम के लिए जरूरी है? तो केंद्र के द्वारा हाल ही में क्रेडाई ऐप लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा लोग घर तलाश सकते हैं। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है और इसके जो मिनिस्टर हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वह हरदीप पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राइफल कॉलेज किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है केरल। केरल राज्य में देश का पहला राइफल कॉलेज बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, ये राइफल कॉलेज क्या होता है? तो ये राइफल बंदूकों से बनी एक स्मारक होती है जिसे राइफल कॉलेज कहा जाता है। तो ये पहली राइफल कॉलेज देश में केरल में बनाई गई है। बताइए केरल की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है केरल की लोकेशन। केरल स्टेट का मैप आप देख पा रहे होंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी है थिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ पर राज्यसभा की कुल 9 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। तो आपको इतना केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभियान हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम आपको याद रखना है, नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये एक राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन थे। आपको बता दें, इनका 64 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। पहली बार ये 1996 में सांसद बने थे और ये राज्यसभा से 1996 में सांसद बने थे। तो इतना आपको अमर सिंह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है UAE। UAE परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश बना है। दोस्तों, आपको बता दें, 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन अरब का यह पहला देश करेगा। 25% बिजली की पूरी आपूर्ति UAE के इस परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र से की जाएगी। दोस्तों, बात आई है UAE की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता।
मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है यूएई की। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इसकी राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं आरिफ खालिफ बिन जयाद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद। तो इतना आपको यूएई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है डलास काउबॉयज। यह एक फुटबॉल टीम है और यह लगातार पांचवी बार टॉप की है फोर्ब्स की सबसे मूल्यवान टीम में। इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वह 41,250 करोड़ रुपए है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों, फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 50 में एक भी क्रिकेट टीम नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्लांट जो गोबर गैस को सीएनजी में बदलेगा किस राज्य में लगाया गया है? तो यह प्लांट गुजरात में लगाया गया है जो गोबर गैस को सीएनजी गैस में बदलेगा। 40,000 किलो गोबर की हर दिन खपत होगी इस पावर प्लांट में। इसके अलावा 1 रुपए किलो के हिसाब से यहां पर गोबर भी खरीदा जाएगा। बताइए गुजरात की, तो आपको मैप में इसके लोकेशन के बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है गुजरात की। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। यहाँ पर राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और वहीं बात करें लोकसभा की तो 29 सीटें यानी 29 सीटें गुजरात में लोकसभा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीएस येदुरप्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों वीएस येदुरप्पा कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताइए कर्नाटक की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदुरप्पा जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं वहीं राज्यसभा की कुल 12 यानी 12 सीटें हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शशिधर जगदीशरण। इन्हें हाल ही में एचडीएफसी बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। इन्हें आदित्य पुरी की जगह है एमडी और सीईओ बनाया गया है एचडीएफसी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक थिएटर आर्टिस्ट थे जिनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ जो एक थिएटर आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा अपने नए नक्शे में बताए गए भारत के हिस्से कौन कौन से हैं? तो ये सभी यानी कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़, इन तीनों एरिया को जो भारत के महान हिस्से हैं उन्हें पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में दर्शाया है। दोस्तों इससे पहले नेपाल ने भी हमारे उत्तराखंड की लिपुलिक और 2-3 हिस्सों को अपने नए नक्शे में दर्शाया था, उसी की तरह पाकिस्तान ने भी अपने नए नक्शे में इन तीनों को जगह दी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की कश्मीर, लद्दाख और इन सभी एरियों पर बहुत बुरी नजर है, इसी के मद्देनजर इसने ये कदम अपनाया है। बात आई है पाकिस्तान की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप ये कुत्ते के सिर में देख पा रहे होंगे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और इसे स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मिली थी। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून की यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में पहला देश कौन सा रहा है? तो यह है यूएसए। यूएसए हुरून की लिस्ट में स्टार्टअप की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों जो स्टार्टअप्स हैं उनमें यूएसए में कुल 233 स्टार्टअप, भारत में 61 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा टॉप स्टार्टअप में भारत की लिस्ट में पेटीएम है। पेटीएम ने सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो इसी लिस्ट में पहले स्थान पर है यूएसए। बताइए यूएस की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। मैप में आप इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे जो डेजर्ट है उनके बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि ग्रेट बेसन डेजर्ट, सोनेरन डेजर्ट और मोजेब डेजर्ट यहाँ के प्रमुख डेजर्ट हैं यानी रेगिस्तान है। वहीं बात करें झील की तो सुपीरा झील, हुरन झील, मिशिगन झील और ग्रेट सॉल्ट लेक ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो आपको इतना अमेरिका के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सीसीटीवी निगरानी में हैदराबाद कौन से स्थान पर मौजूद है? तो विश्व स्तर की सीसीटीवी निगरानी में हैदराबाद 16वें स्थान पर मौजूद है। यह भारत का पहला शहर है और दुनिया में यह 16वें स्थान पर स्थित है। हैदराबाद में कुल 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं बात करें इसमें पहले स्थान पर इस लिस्ट में कौन है, तो चीन का ताइवान ये जो शहर है वह इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। इसमें 4,65,000 कैमरे लगाए गए हैं। तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले एप्पल है जो दुनिया की पहली कंपनी है और इसके बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020 में दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी जो दूसरे स्थान पर है मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इस लिस्ट में भारत की जो दूसरी कंपनी है वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है यानी TCS है जो 65वें स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यपाल बनाया गया है मनोज सिन्हा को। हाल ही में जो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो राज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब ये दूसरे गवर्नर होंगे जम्मू कश्मीर के। इनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में भारत के न्यू कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू का हाल ही में जम्मू कश्मीर से इन्होंने इस्तीफा दिया है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और इन्हें हाल ही में नया कैग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 13 घंटे के अंदर टेस्ट मैच और वनडे मैच खेलकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड ने 13 घंटे के अंदर एक टेस्ट और वनडे मैच खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 15 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले थे लेकिन अब इंग्लैंड ने 13 घंटे के अंदर 2 मैच खेले हैं। दोस्तों आपको बता दें टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ खेला है इंग्लैंड ने और वनडे मैच आयरलैंड के साथ इंग्लैंड ने खेला है। दोस्तों बात आई है इंग्लैंड की तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में मैप में जरूर बता दें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है इंग्लैंड। आपको बता दें इन इंग्लैंड वेल्स नीदरलैंड और स्कॉटलैंड इन चारों को जोड़कर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है और अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो इसमें इन तीनों को जोड़ा जाता है यानी इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स। वहीं अगर सिंगल की बात करें तो ये इंग्लैंड का आप मैप देख पा रहे होंगे, ये है इंग्लैंड का एरिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो आपको पता होगा यहाँ की राजधानी है लंदन। यहाँ की जो सम्राट या मोनार्च है वह एलिजाबेथ द्वितीय हैं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है। तो इतना आपको यूके के बारे में याद रखना है। आप ये लोकेशन देख पा रहे होंगे मैप में, यह है यूके की लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में जो COVID-19 के केस हैं वह भी इंदौर में ही सबसे ज्यादा हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना तो मैं आपके लिए लेकर आया था। बात आई है इंदौर की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंदौर की लोकेशन को। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है इंदौर की लोकेशन। इंदौर के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का स्थापना भी इंदौर में ही किया गया है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग की स्थापना भी इंदौर में ही की गई है। भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू इंदौर जिले में ही स्थित है। यहीं पर प्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने इंदौर के बारे में चर्चा की, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के स्पॉन्सर से हाल ही में किसे हटाया गया है? तो वीवो को यानी वीवो मोबाइल कंपनी को हाल ही में आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से हटाया गया है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट जो है आईपीएल या बीसीसीआई के द्वारा निर्णय लिया गया है जिसमें जो चीनी कंपनी है उन्हें हटाया गया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो मार्क जुकरबर्ग, जो 100 अरब डॉलर वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले जेफ बेजोस पहले व्यक्ति थे जो 100 अरब डॉलर वाले व्यक्ति बने थे। इसके बाद बिल गेट्स 100 अरब डॉलर के दूसरे व्यक्ति बने थे, और अब हाल ही में तीसरे व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग हैं जो 100 अरब डॉलर वाले व्यक्ति बन चुके हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जेफ बेजोस जो है एमडी और सीईओ हैं अमेज़न के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, और मार्क जकरबर्ग इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के सीईओ और एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के संसद में 103 महिलाओं की कुल संख्या है। दोस्तों, संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में महिलाओं की संख्या 103 है। दोस्तों, लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25, इन दोनों को मिलाकर भारत की संसद में कुल महिलाओं की संख्या 103 हो जाती है। दोस्तों, यह पहली बार होगा कि इतनी ज्यादा संख्या में संसद में महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी में अगर बात की जाए महिलाओं की, तो 5.8% मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है महिलाओं की। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, इसलिए मैं लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा इंदौर भोपाल के बीच जो प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जाना है, उसके द्वारा यानी इस पोर्टल के द्वारा ये भूमि अधिग्रहण की जाएगी। इसके अलावा चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे को जो भी जमीन अधिग्रहण करनी है, वह इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। दोस्तों, इस झंडे की जो लंबाई होगी वह 30 फीट होगी और चौड़ाई 20 फीट होगी। बात आई है सागर की, तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में मैप में दिखाते दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश का मैप है जिसमें ये सागर की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसका कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सागर को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन में मिलता है जो सागर में ही स्थित है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरा देही भी सागर में ही स्थित है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है ओमान की सहायता से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे आपको सागर के बारे में जानने, महत्वपूर्ण जरूरी है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का चेयरमैन या अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 78वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई है 2020 में। दोस्तों, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में राजघाट पर जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है और एक नया नारा दिया गया है, गंदगी भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में दिया गया है 78वीं भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी जो एक भारतीय हैं, यह दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति 6.48 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट पॉडकास्ट लेखन अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो इमरान खान को बेस्ट पॉडकास्ट लेखन अवार्ड हाल ही में दिया गया है। दोस्तों, इमरान खान ये एक्टर नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं जिन्हें बेस्ट पॉडकास्ट लेखन का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है प्रत्येक 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में यानी एमपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, क्लाउड आदि को प्रोत्साहित करने के लिए यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है
हाल ही में भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसी के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। बताइए मध्य प्रदेश की, तो आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है और ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। यहाँ की राज्यपाल लालजी टंडन थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों ये मैं हटा नहीं पाया हूँ। जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो भाजपा से हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा की कुल 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा की करंट अफेयर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहीं पर हम पीडीएफ भी डालते हैं। इसके अलावा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, और जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट या चीज़ें होती हैं वो भी टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ मैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्टिकुलर जुड़ना चाहते हैं तो ये आईडी दी गई है, इससे आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।